हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन जावा, जिसे हम लूप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही हाई डिमांडेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में एक्चुअली इसमें से आते ही हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में, या फिर लूप स्टेटमेंट्स के बारे में, या फिर एक्सप्लेन व्हाइल और डू लूप, या एक्सप्लेन डू और फॉर लूप फॉर विथ एग्जाम्पल। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला, हमारे पास इटरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस लूप स्टेटमेंट्स। इट इज़ मेड टू यूज़ द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओवर एंड ओवर अंटिल सम कंडीशन इज मेट। तब तक हमारा एग्जीक्यूशन होता रहेगा जब तक वो एक कंडीशन से नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड अंटिल वी मेट सम कंडीशन। व्हाइल लूप जो है वो हमारा तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि एक कंडीशन से वो नहीं मिल पाता। यहाँ पर सिंटेक्स दिया है मैंने व्हाइल सम कंडीशन विच इज ट्रू, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स रहेगा व्हाइल लूप विल कम आउट ऑफ द लूप। देन यहाँ पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये मैंने खुद से पूरा रन करके देखा है एंड बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये एग्जांपल लिखेंगे, तो बहुत शॉर्ट एग्जांपल है। सेकेंड है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस व्हाइल लूप एंड द कोड इज़ नीडेड टू बी रन एटलीस्ट वंस। अब डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि भले ही हमारा मतलब एक बार तो हमारा बस कोड रन होता ही है, क्योंकि उसके बाद वो चेक करता है कंडीशन क्या है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल जो मैंने दिया है वो बहुत ही शॉर्ट है। देन फॉर लूप, द लूप रिपीट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज कंट्रोल थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग एंड व्हेन कंडीशन। यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइजेशन, टेस्ट और इंक्रीमेंट दिया रहेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट आई लिया है एंड सम लिया है। इनिशियल वैल्यू मैंने आई का जीरो लिया है, सम का जीरो लिया है एंड आई इज़ लेस देन 100 लिया है एंड इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा सम जो है वो 1 प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक वो लेस 100 से लेस रहेगा एंड उसके बाद वो लूप के बाहर आ जाएगा।